स्वेटर है ये साल भर के बच्चे का। ये हमने इसमें यहाँ 60 फंदे डाले हैं, 60 60 फंदे डाल के ये 5 फंदे बढ़ाए। इस तरह ये हमने एक सिलाई में सीधी और उल्टी सिलाई में डिजाइन डाला है। देखिए 5 6 सिलाई करी है प्लेन, फिर डिजाइन डाला है। इस तरह हमने यहाँ 6 8 धारी डाल रखी है। तो यहाँ पे 3 2 1 इस तरह ये हमने फंदे घटाए थे। इधर भी 3 2 1 इस तरह ये फंदे घटाए। फंदे घटा के फिर ये यहाँ हमने जितना हमने बुन लिया है इसे, इसी तरह ये हमने आगे का पल्ला करा है। इसमें हमारे 60 फंदे थे, इस 8 फंदे थे, तो इसमें हमने 30 फंदे करेंगे और 7 7 फंदे जो है ये पट्टी के करेंगे। इस तरह हमने ये धारी डाली है, इसमें धारी डाल के फिर ये 3 फंदे 3 2 1 यहाँ घटाएंगे। फिर ये नमूना डाला है हमने, जैसे यहाँ नमूना डाल रखा इतना ही हमने ये बनाई है बनाया है, और इतने ही कि हमारे ये बाजू हैं। इस बाजू को भी हमने बाजू में यहाँ पे हमने 30 फंदे डाल रखी हैं। 30 फंदे डाल के 5 फंदे हमने ऊपर बढ़ाए हैं। फिर ये एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी में ही डिजाइन डाला है। फिर इस तरह ये धारियाँ डाल रखी हैं, ये 8 10 धारी हैं। तो ये 3 2 1 जैसे हमने ये पल्ले में घटाया है, पल्ले में घटाया इसी तरह बाजू में घटाए। ये सीधी ये इस वाली बाजू में भी ऐसे घटाए हैं, ये पल्ले में। ये हमने पांचों पल्ले तैयार कर दिए हैं। इन 5 फंदों को हम एक सिलाई में करके ये बिरोएंगे। सबसे पहले जो है ये आगे का पल्ला, एक पल्ला लें जिस दिन यहाँ बॉर्डर बन रहा है, इस पल्ले को लें। इस पल्ले के बाद उल्टी सिलाई में इसे बाजू को बुनें। ये है बाजू, बाजू को हम बुन कर रहे हैं। इसमें ये पल्ला है, पल्ले के बाद ये बाजू आएगी। इस बाजू को टाइट करके इसमें बुने, इस ऊन को खींच ले। बाजू के बाद ये पीछे का पल्ला आएगा, इसमें ये पीछे का पल्ला है। ये है हमारा पीछे का पल्ला। इसे पल्ले को बुक करें, उल्टी तरफ से ही करना है इसे।
ये हमने आगे का पल्ला लगाया है, ये बाजू लगाई है, अब ये पीछे का पल्ला है। इस पर पल्ले को भी उल्टा ही बुने। ये हो गए हमारे सीधे, इसमें पीछे का पल्ला, पीछे के पल्ले के बाद ये बाजू पर है। ये बाजू भी हो गई है इसमें। बाजू के बाद ये आगे का पल्ला ने, अब ये आगे का पल्ला है, एक पल्ला हमने इधर लगाया था आगे का, अब ये लास्ट में भी आगे का पल्ला है।